हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल को लेकर के है। एसक्यूएल के अंदर खासतौर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप होते हैं कंफ्यूजन में, तो एसक्यूएल एक बहुत ही अच्छी डेटाबेस लैंग्वेज है और इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आसानी से जवाब दिया जा सकता है। देखिए, अब ये टेबल है और टेबल का नाम है डॉक्टर, ठीक है। यानी टेबल बनेगी किसके नाम से? डॉक्टर के नाम से, जिसने एक फील्ड है आईडी, ठीक है, जिसमें नंबर्स दिए गए, ये नंबर ही है, ठीक है। और यहां पर आप इसे टेक्स्ट भी रख सकते हैं, अगर टेक्स्ट रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर आपको टेक्स्ट ही रखना होगा। यानी वेर कैर रखिए, कैर रखिए, ये डेटा टाइप के नाम है किसके? MySQL के। यहां पर भी देखिए ENT लिखा गया है, तो ये अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट है तो या तो टेक्स्ट रखिए, या तो वेर कैर रखिए, या आप रख सकते हैं इसमें कैर डेटा टाइप, ठीक है। इसके अलावा यहां पर मेल है, तो मेल में भी एम लिखा हुआ है, यानी ये भी रिलेटेड टू अल्फाबेट है, तो यहां पर भी आपको टेक्स्ट वायर कैर या कैर इसमें से कुछ रखना होगा। और यहां पर एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस यहां पर दिया गया नंबर में, तो यहां पर आप नंबर रख सकते हैं, ठीक है, यानी इंटीजर, क्लियर। अब इसको बनाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, हम बना के देखते हैं। आप चाहे तो एसक्यूएल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एसक्यूएल व्यू का ही इस्तेमाल करके ये बनाएंगे। तो यहां पर क्लिक करते हैं ब्लैंक डेटाबेस पे, तो ये नया डेटाबेस आ जाता है, जबकि एसक्यूएल में जाएंगे तो आपको क्रिएट डेटाबेस कमांड लिखना होता है। अब इसको क्लोज कर देंगे और यहां से चलेंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पे जाकर के क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, देन एसक्यूएल पे जाएंगे। जैसे ही एसक्यूएल पे जाते हैं तो इसे आपको हटा देना है, तो ये हटा दिया हमने। अब क्या करना है आपको? अब यहां पर सिंपल तरीके से टेबल बनानी है, तो सबसे पहले तो यहां लिख दीजिए क्रिएट टेबल। ये कमांड है क्रिएट, जिसके थ्रू आप टेबल बनाते हैं, और टेबल बनेगी हमारी डॉक्टर के नाम से, तो DOCTOR, ठीक है। तो ये डॉक्टर कर देते हैं, कैपिटल है तो यहां पे डॉक्टर कर देते हैं, तो ये डॉक्टर नाम से टेबल हमारी बन गई। लेकिन अब इसमें फील्ड क्या क्या आएंगे, तो जरा देख लीजिए। जो पहला फील्ड है उसका क्या नाम है? पहले फील्ड का नाम है आईडी, ठीक है। और आईडी का मैंने बताया था, इसे आप इंटीजर रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है नंबर ही केवल दिए गए हैं, तो आप इसमें इंटीजर रख सकते हैं, तो यहां पर इंटीजर डेटा टाइप का यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर आप कर देते हैं आईडी, तो जैसे लिखा गया आईडी वैसे दे दिया ब्रैकेट ओपन करने के बाद, और यहां पर इसका डेटा टाइप इंट दे दिया हमने, क्योंकि समस्या यह है कि आईडी कहीं भी रिपीट नहीं हुई है। जरा देखिए, इसमें यहां पर जो है आईडी आपको रिपीट होती हुई नजर नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस तो रिपीट हो सकता है ना भाई, एक आदमी को एक्सपीरियंस अगर 12 साल का है तो दूसरे आदमी को 12 साल का नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस वाले सेक्शन यानी आईडी सेक्शन को हमें बनाना होगा प्राइमरी की। अब प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है नॉट नल, माने हम इसे खाली भी नहीं छोड़ेंगे, इसको तो भरना ही भरना है, और यहां कर देते हैं प्राइमरी की। तो ये लिख देने से ये प्राइमरी की बन जाएगा, यानी डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलाउड होगी ही नहीं, क्लियर। अब देखिए आगे क्या करना है, यहां पर आपको अगला जो फील्ड देना है वो नेम देना है, और नेम का जो डेटा टाइप होगा वो होगा वेर कैर, और वेर कैर में 20 साइज मैंने रख दिया है, फिर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही 20 साइज रख के और कॉमा लगाएंगे आप, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा ये वेर कैर है, तो ये हटाना होगा, ये हो गया। चलिए अब अगला फील्ड हमें क्या डालना है वो देखना है, तो यहां पे नेम हो गया, फिर डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट, तो यहां पे डिपार्टमेंट कर देते हैं, तो डिपार्टमेंट भी हम यहां पे डीईपी केवल लिखना है आपको, क्योंकि यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए यहां पर डिपार्टमेंट में डीईपीटी दिया गया, तो जो दिया गया बिल्कुल वही रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पे कर देते हैं डीईपीटी, ये हो गया डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट देने के बाद डिपार्टमेंट का जो डेटा टाइप होगा वो होगा कैर। इस बार कैर रख लेते हैं, वेर कैर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो यहां 25 साइज दे देते हैं इसकी, कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद यहां पर दिया गया है सेक्स, सेक्स यानी जेंडर की बात करी गई है। यहां पर देखिए ये जेंडर की बात करी गई है, तो यहां पे हम जेंडर देंगे, तो यहां पे लिख देता हूं जो दिया गया है फील्ड नेम वही लिख दिया मैंने, और इसका भी डेटा टाइप हम मेंशन कर देते हैं, तो इस बार हम टेक्स्ट दे देते हैं, तो टेक्स्ट देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये टेक्स्ट भी सपोर्ट करता है। तो यहां पर कॉमा लगा दीजिए, ठीक है, और कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो अब बात आएगी एक्सपीरियंस की। तो यहां पर अब एक फील्ड आपको एक्सपीरियंस भी डालना होगा, तो यहां पे एक्सपीरियंस कर देते हैं, तो ये हो गया एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का जो डेटा टाइप है वो वेर कैर होगा, और वेर कैर करके और यहां पर साइज हमको 30 दे देना है, और 30 देके इसे बंद करना है, और बंद करके और फिर इस ब्रैकेट को भी क्लोज करना है, और टर्मिनेशन देना यानी सेमीकोलन लगा देना है। तो ये टेबल आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। अब कैसे तैयार होगी आइए देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये टेबल बन गई है, और इसमें वही वही फील्ड आए हुए हैं जो हमने डाला था, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है,
लेकिन SQL के अंदर आप क्या करेंगे, तो मैं इसे टेबल क्यू के नाम से सेव कर देता हूं। और टेबल हमें किस नाम से सेव करनी है, डॉक्टर के नाम से ना, तो डॉक्टर नाम से टेबल सेव हो चुकी है, तो इसे मैं डॉक्टर क्यू कर देता हूं, डॉक्टर क्वेरी, ठीक है। डॉक्टर नाम से जो टेबल बनाया उसी की क्वेरी है ये, तो इसे मैंने सेव कर दिया। अब हम चलेंगे न्यू क्वेरी बनाएंगे, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड हमें यहां से इंसर्ट नहीं कराना, हम इंसर्ट इनटू का यूज कर सकते हैं। तो यहां से चल करके और क्वेरी डिजाइन पे जा करके और फिर यहां SQL पे जाएंगे और देन यहां पर क्लिक करके और सेलेक्ट का अब यूज करेंगे। यहां से आपको जो है काम करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पर सेलेक्ट का यूज करना है। तो टेबल हमारी किस नाम से बनी है, डॉक्टर नाम से बनी है ना, लेकिन प्रॉब्लम यह है हमारे साथ कि इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो यहां पे सेलेक्ट कमांड का यूज ही नहीं करेंगे, तब हम इंसर्ट इनटू चलाएंगे। तो यहां लिखा है इंसर्ट इनटू, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्ट इनटू, और किसके अंदर इंसर्ट करना है, तो डॉक्टर के अंदर, DOCTOR, डॉक्टर हो गया, और ब्रैकेट को ओपन करके और फिर यहां पर फील्ड के नेम डालने होंगे, ठीक है। जैसे हमारे में फील्ड का नाम क्या क्या है तो चेक कर लेंगे, पहला आईडी है, दूसरा नेम है, डिपार्टमेंट है, तो आईडी नेम और डिपार्टमेंट हम जो है यहां पे दे देने वाले हैं। तो आइए यहां पर आईडी नेम और डिपार्टमेंट हम दे देते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन कर लिया है, यहां पर सिंपली आपको आईडी दे देना है, कॉमा लिखना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो है इसमें आपको कोई भी डेटा टाइप मेंशन नहीं करना है, क्योंकि टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। तो दूसरा हो गया नेम, तो यहां पे कर देते हैं नेम, तो नेम एक बार चेक करते हैं किस तरीके से लिखा गया है, तो ये पहला अक्षर बस कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। तो यहां पे नेम कर देते हैं NAME, ये नेम हो गया, और फिर डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट DEPT है, फिर कॉमा करके और नेक्स्ट फील्ड जो है सेक्स है और फिर एक्सपीरियंस है। तो यहां पे अब आ जाते हैं SEX लिखते हैं और फिर यहां एक्सपीरियंस EXPERIENCE, तो ये हो गया एक्सपीरियंस। अब इसको बंद करके और अब एंटर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सारे ही फील्ड्स के नाम हो गए। एंटर जैसे ही करके नीचे आएंगे तो देखेंगे आप कि यहां पर अब आपको वैल्यूज इसमें डालनी है, तो यहां पे लिख दीजिए वैल्यूज, ये हो गया वैल्यूज, और ब्रैकेट को ओपन करिए। अब हमको वैल्यूज डालना है, तो हमको चेक करना होगा कि क्या क्या वैल्यूज पड़ी हुई है। तो पहले में 101 आईडी है, नेम है जॉन और एंट डिपार्टमेंट के हैं, तो 101 आईडी यहां पे कर दिया हमने, नेम है जॉन, तो इसको सिंगल क्वोटेड कॉमा में JOHN लिख लेते हैं, सिंगल क्वोटेड कॉमा क्लोज करके कॉमा लगाते हैं। अब है डिपार्टमेंट, ठीक है, तो यहां JOHN होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, लिखते समय गलती मत करिएगा, ठीक है। ये हो गया, यहां पर ये कैपिटल रहेगा, ये हो गया। अब यहां पर एंट डिपार्टमेंट के हैं, तो ENT कर देते हैं, एंट हो गया। अच्छा, ये एंट लिखा जाएगा तो इसे सिंगल डॉटेड कॉमा या डबल डॉटेड कॉमा के अंतर्गत लिखना है। सिंगल डॉटेड कॉमा लगाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप अगर आप MySQL यूज करेंगे तो वहां पर भी सिंगल डॉटेड कॉमा ही यूज होता है, ठीक है। अब एंट तक तो हमने कर दिया, अब क्या है, मेल है और एक्सपीरियंस 12 ईयर का है, तो यहां मेल के लिए भी सिंगल डॉटेड कॉमा यूज करके और सिंगल डॉटेड कॉमा को क्लोज करके एक्सपीरियंस 12 कर दिया। अब इसको बंद करके टर्मिनेशन दे देंगे, तो जैसे टर्मिनेशन देंगे तो आप देखिए ये वाला टेबल हमें पहले क्लोज करना होगा, जो डॉक्टर वाली टेबल बनी हुई है, देन यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाके और यहां से रन करवाना होगा। तो कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, तो अपेंड का मतलब होता है इसमें इंसर्ट हो जाएगी एक रो, ठीक है। अब चेक करते हैं इसमें एक रो इंसर्ट हुई या नहीं, तो यहां पे देख सकते हैं एक रो इंसर्ट हो चुकी है, जो हमने दिया था बिल्कुल वही चीज आई हुई है। अब आपका काम बहुत आसान है, यहां पर अब आपको बार बार क्वेरी अलग से बनाने की जरूरत नहीं, तो आपको खाली क्या करना है, इसी में चेंजेस करते चलने हैं, ठीक है। तो जो दूसरा नेम है वो क्या है, चेक कर लेते हैं, 104 आईडी है, स्मिथ है ऑर्थोपेडिक, तो अब यहां पर हमको 104 करना है, 101 की जगह यहां पर इसे हटा दीजिए। अब ऐसा आप मत सोचिएगा कि ये डिलीट हो जाएगा हटा देने से, ठीक है। और नेम क्या है यहाँ पे वो भी चेक करना होगा एक बार, यहाँ पे देखिए स्मिथ है और ऑर्थोपेडिक मेल, तो यहाँ पे स्मिथ कर देते हैं, SMITH, ये स्मिथ हो गया, और ये है ऑर्थोपेडिक, तो यहाँ पे कर देते हैं ऑर्थोपेडिक, तो ORTHOPEDIC ऑर्थोपेडिक हो गया, और ये मेल है, और एक्सपीरियंस कितने ईयर का है, तो 5 ईयर का है, तो यहाँ पे 5 कर देंगे, बस काम हो जाएगा। इतने से आपके दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको चलाना होगा, तो पहले तो इसको क्लोज करेंगे टेबल को, देन इस क्वेरी को यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाकर रन करा देंगे। तो देखिए फिर कह रहा है यू आर अबाउट टू ओपन वन रोज, तो अगर हम फिर वापस से इसको ओपन करते हैं तो दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्टेड है। इसी तरीके से तीसरा, चौथा और पांचवा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ये आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर क्वेरीज लिखने के लिए आती है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।